नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का हिडन एजेंडा जो है वो सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस वोट बैंक के दलदल में फंसी हुई है, मुझे रोज रोज गाली दी जा रही है, कांग्रेस की तुष्टिकरण की सोच रही है, राजस्थान में एक भी पंजा नहीं बचे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे यहां पर कांग्रेस पर बड़ा हमला कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा सामने आया है। आइए सुनते हैं। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति तुष्टिकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े हैं। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुलकर के राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत? भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और साथ ही इधर वेल्थ सर्वे और घुसपैठियों का मुद्दा उठाने के बाद बीजेपी तमाम सेक्युलर दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के साथ ही हैदराबाद के ओवैसी बंधुओं का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है। जरा रिपोर्ट देखिए। घुसपैठियों पर बीजेपी के सवाल, क्यों भड़क गए भड़काऊ भाईजान? कांग्रेस के वेल्थ सर्वे पर घमासा, ओवैसी को याद आ गए हिटलर। हैदराबाद के रहने वाले मुस्लिम परस्त नेता अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर भड़के हुए हैं। विरोध हो रहा है भारत में अवैध रूप से घुसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का, लेकिन दर्द हो रहा है अकबरुद्दीन को। देश में सीए लागू होने के बाद हो रहे आम चुनाव में घुसपैठियों का जिक्र होते ही AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। अकबरुद्दीन का घुसपैठियों से क्या रिश्ता है, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की बात आते ही ओवैसी की पार्टी के नेताओं के खूब मिर्ची लगती है। हालांकि यही पार्टी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिमों पर अत्याचार पर चुप्पी साध जाती है, लेकिन रोहिंग्या का नाम आते ही यही नेता सुपर एक्टिव हो जाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि सरकार बनने पर कांग्रेस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर लोगों के मेहनत से कमाया पैसा
घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी, जिसके बाद बड़े से लेकर छोटे ओवैसी दोनों का पारा गर्म है। हालांकि बीजेपी नेता भी घुसपैठियों और जनसंख्या कानून को लेकर ओवैसी बंधुओं पर हमलावर हैं। 140 करोड़ के वजीर आजम मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं, हम घुसपैठी हैं। अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, सवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे संवेदनशील मुद्दे को जिस तरह से अपनी चुनावी रैलियों में उठाया है, उससे नकली सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े सभी पार्टियों का नकाब उतर गया है। कांग्रेस पार्टी इस बयान का विरोध तो कर रही है, लेकिन उसका कोई नेता ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि अगर सरकार बनी तो पार्टी का ऐसा करने का कोई प्लान नहीं है। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है, लेकिन उसके आरोपों पर खुलकर कोई इनकार नहीं कर रहा है। वहीं बीजेपी का दावा है कि खुद राहुल गांधी ने चुनावी रैली में हजारों लोगों के सामने वेल्थ सर्वे कराने का ऐलान किया है। कांग्रेस की हमेशा से चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं, कार्य नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, विभाजन के आधार पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस माओवादी प्रवृत्ति को यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ ओवैसी परिवार भी इस मुद्दे पर भड़का हुआ है। खुद को संविधान बचाने का दावा करने वाली पार्टी AIMIM का घुसपैठिया प्रेम जग जाहिर है। इस मुद्दे पर सिर्फ छोटे ओवैसी ही नहीं, बड़े ओवैसी का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दूसरों का धन छीन कर देने के आरोप के बाद असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी हिटलर दिखाई देने लगे। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि पहली बार हैदराबाद में ओवैसी को हार का डर लग रहा है, जिसकी वजह से ओवैसी परिवार बौखलाया हुआ है। 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं झूठ, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मर्तबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए, मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। अरे ये मजहब के नाम लेकर जो वोट मांगने वाले लोग हैं ना, वो लोग अपने इस प्रकार के द्वेष के भाषण खत्म नहीं करेंगे। अब प्रजा उनको खत्म करना पड़ेगा, प्रजा को जागृत हो जाना पड़ेगा कि जब तक ऐसे बीज जो विष बीज है, ये लोग ये इतने बड़े विष बीज है जो मुसलमान बदलना चाह रहे, जैसे काशी में देखिए, आप देखिए प्रधानमंत्री जी के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए, मुसलमान भाई इतना प्रशंसा करते हैं मोदी भाई का, जलते हैं ये लोग ये प्रशंसा से और गलत गलत बात करते हैं लोग। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी मुस्लिम लीग से प्रेरित है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के एक बयान के आधार पर कांग्रेस को घेर लिया है। आपको सुनवाते हैं कि आखिर मोदी ने क्या कहा था, जिसके बाद वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियां परेशान हैं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब
आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। देश में घुसपैठ और तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक ऐसी समस्या है जिस पर अब तक चर्चा करने से तमाम सेक्युलर दल बचते थे। अब बीजेपी के एक ही दांव से इन सभी दलों को इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करना होगा, क्योंकि सियासत तो होती रहेगी लेकिन देश की आम जनता भी अब इन मुद्दों पर बेहद सजग हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामले में बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफीनामे का नया विज्ञापन छपवाएं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, विज्ञापन का साइज बड़ा करना होगा, माफीनामे को हाईलाइट करना होगा। 30 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। बाबा रामदेव और बाल कृष्ण को पेश होना होगा। ये एक और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव को। और इधर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट आ गई है। मुख्तार अंसारी की जहर से मरने की पुष्टि नहीं हुई है। और क्या कहते हैं ये विसरा रिपोर्ट, एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्तार अंसारी की विसरा जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई, बल्कि मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक है। फिलहाल विसरा रिपोर्ट न्यायिक टीम को सौंप दी गई है। अब जांच टीम पूरी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। आपको बता दें कि बीते 28 मार्च की देर रात बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद मुख्तार को इलाज के लिए फौरन बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने मुख्तार को जेल में जहर देने का आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले में विसरा रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार के लगाए गए आरोप बेबुनियाद। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक ही बताई गई थी। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वहां गोरखपुर से दिल्ली जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में चार यात्रियों की मौत की